शत्रुंजय तीर्थ में कहां कब क्या आयोजन रहेंगे उसकी संक्षेप जानकारी 28 जून 29 जून 30 जून तीन दिन शत्रुंजय तीर्थ में अंजन सलाका पंच कल्याणक महामहोत्सव रहेगा। उसमें इस शाश्वत तीर्थ में 6 महीने तक जो चातुर्मास पदूषण की आराधना और उद्यान तप नमाणु यात्रा आदि के जो आयोजन होंगे उसमें ऋषभदेव परमात्मा पुंडरीक स्वामी दादा गुरुदेव आदि की प्रतिमाओं के अंजन आदि के विधान संपन्न किए जाएंगे और 1 तारीख को इनकी चल प्रतिष्ठा का विधान संपन्न किया जाएगा। इसके अंतर्गत आषाढ़ शुद्धि 11 जैन जगत के प्रथम दादा गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस और उस आषाढ़ शुद्धि 11 के दिन 29 जून को आने वाली आगामी 29 जून को शाश्वत तीर्थ शत्रुंजय तीर्थ में 5-5 साध्वीजी भगवंतों की वर्त दीक्षा का बड़ी दीक्षा का आयोजन रहेगा। यानी आज जिन साध्वीजी भगवंत की दीक्षा हुई उनकी बड़ी दीक्षा, अष्टापद तीर्थ में मुनि भगवान संवेग रतन सागर जी महाराज साहब के वर्त हस्तों से साध्वी जी भगवंत प्रज्ञा सिंह महाराज साहब के पास जो दीक्षा हुई उनकी बड़ी दीक्षा और आचार्य भगवंत की अनुमति आज्ञा से और गुड़ा मलानी में मुनि भगवंत संवेग रतन सागर जी महाराज साहब के वर्त हस्तों से 4 मुमुक्षु बहनों की जो दीक्षा हुई उसमें से सुरजना श्री जी महाराज साहब के पास जो 3 दीक्षाएं संपन्न हुई हैं उनकी 3 की दीक्षा, अष्टापद में जिन साध्वी भगवंत की दीक्षा हुई उनकी और अक्कलकुआ में आज जो दीक्षा संपन्न हुई है उनकी 5 साध्वी जी भगवंत की वर्त दीक्षा बड़ी दीक्षा 29 जून 2023 शाश्वत तीर्थ शत्रुंजय तीर्थ में संपन्न होगी। उसके बाद 2 जुलाई को आचार्य भगवंत सहित 100 से अधिक खतरगज की परंपरा के साधु साध्वी भगवंत का और श्रावक श्राविकाओं का सामूहिक चातुर्मासिक प्रवेश रखा गया है और जितने भी सामूहिक चौमासे की आराधना से जुड़ने वाले श्रावक श्राविका है जिनको स्वीकृति समिति के द्वारा मिल चुकी है वो 30 जून तक शत्रुंजय तीर्थ शाश्वत तीर्थ में पहुँच जाएँ और 2 जून से उनकी आराधना का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो 28, 29, 30 जून को अंजन सलाका का विधान, 1 जून को प्रतिष्ठा चल प्रतिष्ठा और 29 जून को 5 साध्वी जी भगवंत की नूतन वर दीक्षा और 2 जुलाई को तमाम आचार्य भगवंत सहित साधु साध्वी चतुर्विध धर्म संघ का चौमासा हेतु प्रवेश होगा।